उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, आपको सुनने में लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, जिन्हें पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा होता है। दोस्तों, करी पत्ता बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आपको पता हो या ना पता हो, करी पत्ता यूं भी यदि आप खाते हैं तो आपकी बॉडी से काफी तकलीफें दूर होती हैं, बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है। करी पत्ते का पौधा यदि आपके घर के उत्तर दिशा में लगा हुआ है तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं होता है, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी आती है। बुधवार के दिन यदि आप कांच के एक बाउल में पानी भरे और उसमें करी पत्ते डाल करके घर के ईशान कोने में रखते हैं तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। करी पत्ता दोस्तों असाधारण महत्व रखता है, जिन्हें पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। करी पत्ता के पौधे में भी बहुत सारे ढेरों ऐसे टोने टोटके होते हैं जो लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, मतलब जो जिनमें काली विद्याएं सिद्ध नहीं होती है, जिनमें माता लक्ष्मी को सिद्ध किया जाता है। और करी पत्ते के पौधे के नीचे जो क्रियाएं की जाती है उससे घर में धन धान्य बढ़ता है। और स्पेशली बुधवार का दिन हो, त्रयोदशी हो, या पूनम का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, इन दिनों में करी पत्ता के ऊपर जो भी टोने टोटके किए जाते हैं, करी पत्ता के पौधे में जो भी उपाय किए जाते हैं, उनके परिणाम बहुत लाजवाब आते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को आप करें। इसको करने से हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होगा, घर में हमेशा धन आता रहेगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी और घर में खुशी का माहौल रहेगा। यदि इस क्रिया को आप कंटिन्यू 5 बुधवार करते हैं, आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट बेहतर नहीं, बहुत बेहतर आएगा। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए। दोस्तों, आपको ये उपाय करना है घर की उत्तर दिशा में। घर की उत्तर दिशा में आपको ये उपाय करना है। उत्तर दिशा में जो आप क्रियाएं करते हैं उससे आपकी संतानें हमेशा सुखी रहती हैं, घर हरा भरा रहता है और घर में लक्ष्मी का वास रहता है। तो आपको कोई भी एक प्लेट ले लेनी है, यदि पीतल का बर्तन लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो आप उस धातु का बर्तन ले लें और उसमें आपको रखने हैं करी पत्ते, ठीक है। यदि सूखे हुए करी पत्ते हैं तो आप उसे क्रश कर लें, उसका पाउडर बना लें, बहुत बढ़िया रहेगा। यदि सूखे करी पत्ते नहीं है तो फिर आप हरे करी पत्ते 5 ले लें, कितने 5 बराबर। और आपको घर की उत्तर दिशा में बैठ जाना है, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, आपको कपूर जलाना है। ये क्रिया आपको सुबह के समय भी आप कर सकते हैं, संध्या समय भी कर सकते हैं, दोपहर को नहीं करना है। आपको कपूर जलाना है, कपूर के ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी डालना है। जब कपूर अच्छे से जलने लग जाता है तो आपको एक एक करी पत्ता उठाना है और बोलना है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र को बोलकर आपको 5ों पत्ते एक एक करके उस कपूर में डाल करके जला देने हैं। यदि आपके पास सूखे पत्ते हैं, पत्तों को आपने क्रश किया है, उसका पाउडर बनाया है, तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपको एक एक चुटकी लेना है पाउडर और आपको इसी मंत्र को बोलते हुए 5 आहुति गिन करके, ध्यान रखना दोस्तों आहुति आपको 5 ही देनी है, न 4 न 6, 5 आहुति आपको गिन करके देनी है करी पत्तों की। और ये करना है आपको घर के उत्तर दिशा की तरफ। आप कम से कम 5 बुधवार इस क्रिया को करके देखिए दोस्तों। यदि आपकी कोई इच्छा भी है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप इन करी पत्तों को अपने हाथ में लें, या जो पाउडर आपने बनाया है उस पाउडर को आप अपने हाथ में लें, अपनी इच्छा बोले और उसके बाद आप उसको किसी प्लेट में रखें और 5 बार इस मंत्र को बोल करके आप उसको जला दें, आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।
घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होने लग जाएगी, परिवार में सुख आने लग जाएगा, पूरा घर खुशहाल रहने लग जाएगा, घर के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो दूर होने लग जाएंगी। तो कर लीजिए, ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। अवश्य करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।